बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी एक टीवी से हाज़िर हूँ आप लोग के साथ। नाज़रीन, हर माह हम लोग जायचा न्यू मून और फुल मून में पाकिस्तान में होने वाले हालात वाक़ियात के ऊपर सियारों की रोशनी में ये नज़र डालते हैं कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। आइए आज हम गुफ्तगू करते हैं जायचा न्यू मून, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ताले बुर्ज असद का जायचा किरान, जिसका शम्स और कमर 12वें घर में, जो कि नहस है। इस नहस घर में हमरा स्यारा जुहरा, जो कि पड़ोसी मुमालिक सरहदों की ताज़ा अस्करी सूरत हाल और हुक्मरानों का मालिक है, जबकि मरीख मज़हब कानून और अपोजिशन का मालिक होकर भी 12वें घर में न्यू मून का तलू याफ्ता सयारा है। सियासी नजूम में 12वें घर में होने से अंदरून मुल्क अवामी और सियासी हालात को बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। मुल्क में जराइम की शरह अचानक बढ़ जाती है इन पोजीशन की वजह से। आम अवाम की ज़िंदगी, उनका रहन सहन, इखलाक मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। कैद खानों में, हस्पतालों में और इसी तरह से फलाही कामों में जो लोग भी खिदमात अंजाम देते हैं, उसमें मौजूद स्टाफ में बेचैनी नज़र आती है, गड़बड़ नज़र आती है और गैर जिम्मेदाराना फराइज से नुकसानात का भी अंदेशा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, आला अफसरान के स्कैंडल मंजर आम पर आते हुए नज़र आते हैं और इन इदारों में हड़ताल, हंगामे जैसी साजिशें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। अंदरून मुल्क हाउसेस और मज़दूरों में बेचैनी और नए कवानीन भी हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ कराए जा सकते हैं। जोहल केतु 5वें घर में हालत किरान, ख़वातीन और बच्चों में तकालीफ, मसाइब जैसी नाआसूदगी, डिप्रेशन पैदा कर सकता है। फिल्म और शोबिस के हलकों में रुकावट, बेचैनी, सियासी अफवाहें, अगवा बराए तावान, मौशरती बुराइयों में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। स्टॉक शेयर्स के कारोबार में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि 11वां घर, जो कि पार्लियामेंट का घर, अतारत और राहु, जो कि मुकाबल हैं जोहल केतु के, और कानून साजी में हकूमत को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। मेंबरान असम्बली के माबैन नाइतफाकी, तल्ख और सख्त बहस व मुबाइसा और बिल पास कराने में हकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अहम बात जो कि मैं देख रहा हूँ सियारों की रोशनी में, वो ये है कि जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं, वो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ नाराज़ अरकान कोई प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, जिससे उनकी अपनी पार्टी ही मुश्किलात का शिकार हो सकती है। इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।